इस बार समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से आराम से बीजेपी को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करहल के कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं? कोई कंपटीशन नहीं है, करहल का तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कंपटीशन? अरे यार, आतंकवादी हमेशा आतंकवादियों की बात करेंगे, आतंकवादी जो जैसा है वैसी बात करता है। कोई मुकाबला नहीं करहल में, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी अपनी जमानत बचा ले तो उनकी यही जीत। प्रोफेसर साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि चौथे चरण में जो है आप लोग बहुमत पा जाएंगे, पूरा विश्वास हो जनता देखने लगे, जनता किस तरह से वोट डाल रही है। आपकी पूरी जीतेंगे 59। चलो चलो चलो, आराम आराम, मेरी हो जाएगी। इस समय करहल से जिस तरह से ये प्रचार किया जा रहा है वायरल कर करके सोशल मीडिया पर कि हार रहे अखिलेश जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कौन जनता गाली देती है सुनको, और जो मीडिया वाले चलाते हैं उन पर भी गाली पड़ती है, माफ करें लोग, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? दो राउंड में अब तक क्या आकलन है, तीसरे राउंड का क्या आकलन है सर? दो राउंड में हम 100 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। और तीसरे मिला के कितनी हो जाएंगी? तीसरे में 150 से ऊपर, चौथे में 203 को पार, और बहुमत यही तो 300 हो जाएंगी फिर। 350 क्या, 400 हो जाए तो बड़ी, अखिलेश पहले दिन से कह रहे हैं 400 होंगी। गर्मी तो निकल गई बाबा, देख नहीं ठंडे हो गए, चेहरा कैसा है बाबा जी का। चलो चलो बेटे, लगातार हम क्यों जा रहे हैं, जनता ही नहीं जा रही, जनता ने रिजेक्ट कर दिया उनका ये आइडिया। जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 50 साल पीछे कर दिया बाबा ने। अब आजमगढ़ के एक आतंकी का नाम जोड़ा जा रहा है आपकी पार्टी से, वो बाबा के साथ रहा है। चलो बेटा निकल, बाबा वही करता रहा कार्यवाही, बाबा का चेला होगा, हम लोग तो जानते भी नहीं। तो बाबा जी का फ्यूचर क्या होगा अब? बाबा जी का फ्यूचर तो मोदी जी तय कर चुके हैं गोरखपुर भेजने के लिए। अरे करहल में कोई चुनाव नहीं यार, क्या आप लोग खुद बवंडर बना रहे हैं। करहल में कोई चुनाव नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से अखिलेश जीतने जा रहे हैं, और एसपी सिंह बघेल की जवान जब्त होने जा रही है, लिख लीजिए और चढ़ाइए। तो हमले का नाटक था, वो नाटक था क्या सर? कि वो था, वो उल्टी है, उसकी जांच होगी तो 182 होती कौन सी धारा, उसमें नहीं खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून मंत्री कानून जानते नहीं। चलो चलो बेटा, चलो चलो आगे, सपा का हाथ आतंकी, ऐसा है आतंकी लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं, दूसरों को अपराधी बताते हैं। वो सही कह रहे हैं, 80% मतदाता हमारे साथ है, 20% से भी कम उनके साथ। पीछे बढ़ते चलो, एक सेकंड, आइए आइए, ये आ गए बीजेपी के ग्रांड एम्बेसडर। समाजवादी पार्टी 3 चरणों के बाद, अरे भाई एक सेकंड, महिला 4 चरण के बाद 200 के ऊपर।